नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। 17वीं लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें से पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग 11 अप्रैल गुरुवार को होगी। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, अरुणाचल पूर्व, अरुणाचल पश्चिम, दोनों सीटों पर वोटिंग कल होगी। इसके साथ ही राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर भी लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान कल होंगे। सभी सीटों के नतीजे 23 मई को घोषित होंगे। इन चुनावों में 13,583 फीट पर सबसे ऊंचाई पर बसने वाला पोलिंग स्टेशन होगा। 11 पोलिंग स्टेशन केवल महिलाओं के लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा में अरुणाचल पश्चिम सीट पर भाजपा के नेता व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुक्की को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा NPP के खेवड़ा अपिक मैदान में उतरे हैं। यहां पर जनता दल की जरजूम इट्टे भी चुनाव लड़ रही हैं। 56 साल की पहली ऐसी महिला है जिसे अरुणाचल में किसी पार्टी ने टिकट दिया। ये बाल विवाह और महिला अधिकारों के नाम पर वोट मांग रही है। खास बात यह भी है कि इस राज्य में 7,94,162 वोटर्स हैं, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। इस सीट के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में है। BJP से तापिर गांव, कांग्रेस से लाछांग वांगलत, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से मंगलोंग यस्मो, जनता दल सेक्युलर से बंडे मिल और निर्दलीय उम्मीदवार सीसी सिंगफो का नाम शामिल है। मुख्य मुकाबला BJP और कांग्रेस के बीच ही है। तापिर गांव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद रहे हैं। बता दें कि इस सीट पर शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। पूर्व सीट पर अब तक 11 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस को 7 बार जीत मिली है। साल 2004 में BJP के तापिर गांव ने यहां से जीत दर्ज की थी। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को निनोंग इरिंग का कब्जा है। उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP के प्रत्याशी को हराया था। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में भी निनोंग इरिंग ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर शिलोंग और खासी व जयंतिया हिल्स के विभिन्न इलाकों में बारिश की वजह से भले पारा लुढ़का हो, लेकिन राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। हालांकि इस दौरान बारिश खलनायक बन रही है। बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह मेघालय में भी 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चल रहा चुनाव प्रचार अभियान मंगलवार शाम को ही खत्म हो गया है। यहां पहले चरण में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे। उधर बारिश ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के घर से निकलने ही नहीं दिया, लेकिन उम्मीदवार और पार्टियों के नेताओं ने लगातार प्रचार अभियान को सफल बनाने की अंतिम कोशिश की। सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP, कांग्रेस और भाजपा सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास किया है। धन्यवाद।